हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लो ऑन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फेवरेट DIY विटामिन ई ग्लोइंग ग्लास स्किन सीरम। आपको तो पता ही होगा कि फेशियल सीरम्स के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं और उसमें कितने सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होते हैं। लेकिन ये सीरम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो आज मैं आपको बताऊँगी घर में आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक एलोवेरा जेल, रोज वाटर, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल एंड क्लीन कंटेनर। सो ये सब चीज़ें ईजी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल में 1 स्पून एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना है। एलोवेरा जेल एक मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है, सबको इसके बारे में पता होगा कि हमारी स्किन पर से सनबर्न को रिमूव करता है और इसमें इतने सारे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो होता है हमारी स्किन का नेचुरल टोनर होता है। इनको अच्छे से हमें मिक्स करके इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करनी है। विटामिन ई की जो कैप्सूल्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और जो मार्केट के सीरम्स होते हैं उसमें भी ये लोग विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन पर से ड्राइनेस को रिमूव करता है और हमारे स्किन से रिंकल्स एंड एक्ने मार्क को रिड्यूस करता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल। इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं एंड विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाने का काम करते हैं और इसके रेगुलर मसाज से हमारे फेस पर से डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक एम्प्टी बॉटल में निकाल लेंगे। इस सीरम को आप फ्रेश ही बनाएं, 7 डेज तक आप इसको यूज़ करें, इसको फ्रिज में रखें एंड देन आप इसको फ्रेश बनाएं। इसको थोड़ी सी क्वान्टिटी में आप प्रिपेयर करें एंड देन इसमें निकालने को अच्छे से शेक करने के बाद इसको आप अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करें। मैं आपको इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट है इसका। सो अपने क्लीन फेस पर आप इस सीरम को अप्लाई करें। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगे, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेंगे, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करेंगे, स्किन टोन को इवन करेंगे, स्किन को डीपली हाइड्रेट एंड नरिश करने का काम करेगा ये सीरम। साथ ही आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी इम्प्रूव करेगा, आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करेगा और आपकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्री रेडिकल्स से, क्योंकि फ्री रेडिकल्स से ही हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है। सो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आपकी स्किन के कॉलेजन को इम्प्रूव करेगा एंड विदाउट मेकअप आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा कि आपकी जो स्किन है उस पर जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इतनी ज़्यादा ग्लास स्किन का इफेक्ट देगा ये आपको सीरम और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। सो आप इसके 8-10 ड्रॉप्स ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए ये अमेजिंग लैश ग्रोथ सीरम का भी काम करेगा। सो आप इसको अपनी आई लैशेज पर भी अप्लाई करें, अपने ब्रोज पर भी आप इसको अप्लाई करें। सो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। आप जैसे जैसे इसको अपनी स्किन में मसाज करते जाएंगे ये आपकी स्किन पर से बिल्कुल गायब हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया है। इसको अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट्स तक अपने स्किन को जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। इससे ये डीपली आपकी स्किन की जो लेयर्स है ना उसमें पेनिट्रेट होगा और आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग ग्लोइंग इफेक्ट देगा। सो आई होप ये सीरम आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप करें इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे सेफ। बाय।